हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले दहन और ज्वाला के बारे में, जो कि इस बार के बिहार बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी बिहार बोर्ड दो नंबर में ये भी क्वेश्चन को क्लियर कर देता है। तो हम लोग आज इस बारे में पढ़ेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक बनेगा ताकि आपको यह वीडियो समझ में आ सके। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, दहन के बारे में पहले जान लेते, उसके बाद हम लोग ज्वाला के बारे में जानेंगे। तो आइए देख लेते पहले हम दहन क्या है। तो दहन के बारे में जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो पहले हम लिखे दहन, क्या लिखे हैं, पहले दहन लिखे इसके बारे में पहले हम देख लेते हैं दहन है क्या। तो आपको बिहार बोर्ड में किसी तरह भी क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है। पहला पूछ सकता है कि दहन क्या है, किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए, ये तरीका से आपको क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है। तो इस तरह से आप जवाब देना पड़ेगा। तो देखिए पहले हम लिखेगा दहन क्या है। दहन में मतलब कि आप परिभाषा लिखेगा कि किसी पदार्थ, मतलब कि कहते हैं किसी पदार्थ को ऑक्सीजन में, मतलब कोई पदार्थ है, किसी को जो कोई पदार्थ है उसको ऑक्सीजन में जलाने पर अगर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, कोई भी पदार्थ में अगर जलाते हैं उसमें उष्मा और उष्मा मतलब हीट है ना, और प्रकाश उत्पन्न होता है, तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, दहन कहेंगे। ठीक है, आप इस तरह से कह सकते हैं दहन कहेंगे। तो भाई हमने देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि किसी पदार्थ को ऑक्सीजन में जलाने पर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, जलने की इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट में अगर आपको इस तरह नहीं बोलना है तो आप इस तरह भी बोल सकते हैं। जैसे देखिए हम अथवा में क्या लिखे हैं, यहाँ पे अथवा में लिखे, हम यहाँ पे अथवा में लिखे हैं कि वैसी पदार्थ, मतलब वैसा पदार्थ जो ऑक्सीजन के साथ जलने पर उष्मा उत्पन्न करता है ना, उष्मा और देखिए प्रकाश उत्पन्न करता है, उष्मा भी उत्पन्न कर रहा है और प्रकाश भी उत्पन्न कर रहा है, इसे क्या कहेंगे, दहन कहलाता है, या फिर दहन कहते हैं, इसे हम दहन कहते हैं या दहन कहलाता है, आपकी मर्जी, आप किसी तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है मेरा ज्वाला हुआ, सॉरी ये मेरा दहन हो गया। ठीक है, अब ये दहन हो गया तो आपको त्रि परिभाषा लिखने के बाद मतलब नंबर नहीं देगा। कभी कभी क्या होता है, बिहार बोर्ड जब कोई कॉपी चेक करता है कोई टीचर, तो वो क्या करता है कि वो उसको देखता है, ठीक है, कि बच्चा किस तरह एक्सप्लेन किया है, तो उसके बारे में भी जानना जरूरी रहता है। देखिए हम जैसे में कैसे लिखेंगे, जैसे अगर हम मतलब कि कार्बन को, ठीक है, अगर कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, यहाँ पे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, तो इसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और नेक्स्ट हमारा बनता है उष्मा प्लस प्रकाश बनता है, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। तो इसी तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सिंपल रहता है, अब दहन हुआ क्या, तो दहन को हम क्या कह सकते हैं, दहन को हम कह सकते हैं कि वैसा पदार्थ जो ऑक्सीजन के साथ जलाने पर, जिसको ऑक्सीजन के साथ जलाने पर प्रकाश और क्या उत्पन्न करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है और उष्मा भी उत्पन्न करता है। आप प्रकाश पहले ही बोल सकते हैं, उष्मा भी पहले बोल सकते, कोई दिक्कत वाली नहीं, डिपेंड आपके ऊपर करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस तरह बोल सकते हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे प्रकाश और यहाँ पे क्या उष्मा उत्पन्न करता है, उसे हम कहते हैं दहन कहलाता है। ठीक है, जैसे कार्बन को जलाने पर कार्बन को ऑक्सीजन में जलाते हैं, हवा की उपस्थिति में जलाते हैं, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और यहाँ पे हमको उष्मा बनता है। ठीक है, इस तरह कह सकते हैं। जैसे हम यहाँ देखिए वही बात हम यहाँ पे लिख दिए हैं, कहते हैं कार्बन को वायु क्या है, ऑक्सीजन हुआ, तो कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तथा उष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होता है, इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, दहन कहेंगे। दूसरा स्टार मार्ग लिखे हैं कि दहन में जो पदार्थ होता है, जो पदार्थ जलता है उसे हम क्या कहते हैं, दहनशील या मतलब ज्वलनशील कहते हैं। जो पदार्थ जल रहा है उसे हम दहनशील कहेंगे या फिर क्या कहेंगे, ज्वलनशील कहेंगे। इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा दूसरा स्टार था। तीसरा स्टार देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, तीसरा स्टार यहाँ बोल रहा हूँ, यहाँ पे तीसरा स्टार मेरा हो गया। यहाँ पे कहता है कि कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो जलते नहीं है, मतलब कुछ ऐसे ही पदार्थ है जो जलते नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, अदहनशील कहते हैं। अब क्या, जैसे ईंट, पत्थर, ईंटा, ये सब क्या, ये जलने वाला चीज नहीं है, तो इस पदार्थ को हम क्या कहेंगे, इस पदार्थ को हम अदहनशील कहेंगे। जो पदार्थ जलता है उसे हम दहनशील कहेंगे, जो पदार्थ नहीं जलता उसे हम अदहनशील कहेंगे। तो इसमें हम ये लिखेंगे कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो जलते नहीं है, उसे हम अदहनशील या फिर अज्वलनशील भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे देखिए ईंट, पत्थर, बालू आदि। ठीक है, इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला स्टार देखिए हम लोग क्या लिखे हैं, अगला स्टार लिखे हैं, देखिए क्या यहाँ पे अगला स्टार लिखे हैं, दहन की क्रिया, मतलब कि क्रिया प्रायः, मतलब दहन की जो काम होता है, दहन जो काम करता है वो प्रायः वायु की उपस्थिति में ही, लेकिन वायु में स्थिर करता है, मतलब वायु जब तक ऑक्सीजन किसी के साथ जुड़ेगा नहीं तब तक वो जलेगा नहीं, और जब तक जलेगा नहीं उष्मा उत्पन्न होगा नहीं, उष्मा उत्पन्न होगा तो प्रकाश नहीं उत्पन्न होगा, तो यही जब तक जलेगा नहीं तब तक दहन क्रिया होगा नहीं। पर कभी कभी क्या होता है, यही हम लिखे हैं कि दहन जो होता है ना, कभी कभी मतलब दहन की क्रिया प्रायः वायु की उपस्थिति में होती है, लेकिन वायु की अनुपस्थिति में भी संभव है, वायु की अनुपस्थिति में संभव है। कैसे, जैसे देख लीजिए यहाँ पे हम जैसे में लिखे यहाँ पे कि 3 मोल, अगर 3 मोल Mg को प्लस NO2 को, मतलब कि मैग्नीशियम और नाइट्रोजन को जलाया जाए, तो यहाँ पे जलाने के बाद क्या होता है, Mg3 NO2 निकलता है, प्लस उष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आप इस एग्जाम्पल में कर सकते हैं। आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाएगा कि क्या आप मतलब एक ऐसा परिभाषा बताइए जिसमें बिना ऑक्सीजन का, मतलब बिना ऑक्सीजन के साथ जलते हुए दहन उत्पन्न करे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। ठीक है भाई, अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे एक चीज वहां पे देख लीजिए, यहाँ पे जैसे कि एक दूसरा स्टार है, मतलब अगला स्टार देख लीजिए। यहाँ पे कहता है कि जो पदार्थ किसी क्रिया में सहायक नहीं हो, मतलब कि कोई क्रिया हो रहा है, जैसे कहाँ पे कहीं काम हो रहा है, ठीक है, तो जो पदार्थ उस क्रिया में सहायक नहीं होते हैं उसे दहन का अपशोक कहते हैं।
अपशोक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपशोक कहते हैं। जाहिर सी बात है ना, जब कोई काम नहीं करे उसमें क्या कहते हैं हम, जैसे कोई अब हम लोग काम कर रहे ठीक है, तो उसमें कोई काम नहीं करता तो उसे क्या कहते हैं? कोढ़ी कहते हैं ना, कहते हैं ना। तो उसी में यहाँ पे बोला है कि जो पदार्थ क्रिया में सहायक नहीं होते, जो क्रिया में शामिल नहीं होते, उसे क्या कहते हैं? अपशोक कहते हैं। अपशोक कहते हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे में आप कुछ भी लिख सकते हैं, अब जो वैसा क्रिया जो अपशोक नहीं होता, जो सहायक नहीं होते हैं जलने की क्रिया में, उसमें कहते हैं अपशोक कहते हैं। तो आप एग्जाम्पल में इस तरह से आप खुद से ट्राई कीजिएगा कि क्या ऐसा एग्जाम्पल होगा जो अपशोक पदार्थ है जो जलने में सहायक नहीं होता, इस क्रिया में दहन की क्रिया में सहायक नहीं होता, कौन ऐसा ऐसा पदार्थ ठीक है। तो जैसे मैं आप अपने दिमाग लगा के लिख लीजिएगा ठीक है। तो आगे देखिए, हम लिखिए दहन के लिए आवश्यक शर्तें, मतलब कि दहन के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हो सकते हैं ये बात लिखे ठीक है। तो अब यहाँ पे शर्त जाहिर सी बात है, दहन को और जल रहा है, दहन मतलब क्या जलना है ना, तो भाई जलने की क्रिया में कुछ तो मतलब होना चाहिए, जब तक वहाँ पे कुछ ऑक्सीजन नहीं होगा है ना, ऑक्सीजन ना हो, कुछ ऐसा पदार्थ हो जो जलने की क्रिया में हो, तो वैसा ही पदार्थ ना जो जलेगा, तो उसके बारे में कुछ शर्तें होगा, तो उसके शर्तें देख लीजिए क्या है ठीक है। तो यहाँ देखिए कहता है कि दहन की क्रिया के लिए निम्न तीन आवश्यक शर्तें हैं, मतलब दहन होने के लिए तीन आवश्यक शर्तें होना जरूरी है। तो देखिए पहला क्या देखिए, हम पहला लिखे यहाँ पे कि दहनशील पदार्थ उपस्थिति, मतलब दहनशील का पदार्थ होना आवश्यक है जो जल सके ठीक है। तो हम क्या करें, जो जलने में क्रिया ले सके, जो सहायक हो, उसके अंदर शामिल हो सके, जो जल सके, तो उसमें क्या कहते दहनशील पदार्थ कहते हैं, ऊपर पहले हम लोग देख चुके ठीक है। तो पहला है दहनशील पदार्थ होना आवश्यक, मतलब आवश्यक होता है। दूसरा कि दहन को दहन के पोषक पदार्थ उपस्थित होना चाहिए, मतलब दहन के हो, हम यहाँ कहते हैं अपोषक, अभी जस्ट पढ़े अपोषक, जो दहन के सहायक नहीं होते, अपोषक जो दहन में सहायक हो, अपोषक मतलब जो दहन में सहायक नहीं हो, जो दहन के सहायक नहीं हो, अपोषक कहते हैं, पोषक मतलब जो दहन में शामिल होता है उसे हम पोषक कहते हैं। तो दूसरा है दहन के पोषक पदार्थ होना आवश्यक है, मतलब शामिल होना आवश्यक है। तीसरा कहते हैं यहाँ पे ज्वाला ताप की प्रक्रिया, मतलब कि अब भाई किसी चीज को आग लगाइएगा, जल्दी से जलेगा, तो उसके अंदर मतलब कि माचिस की जरूरत पड़ती है ना, मतलब कि कुछ ज्वाला की जरूरत पड़ती है, उसमें ज्वाला में आवश्यक होना जरूरी है। तो इसी तरीके से हम लोग ज्वाला, मतलब कि हम लोग देखेंगे कि ज्वाला ताप की क्रिया, मतलब कि ज्वाला के, तो इसी तरीके से हम लोग दहन को आज देख लिए। हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ज्वाला, ज्वाला क्या है। तो दहन में ज्यादा कुछ नहीं है, आपको पूछा जाता है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो पूछेगा तो वो पूछेगा दहन क्या है, दहन की परिभाषा बताएं, और जैसे हैं बताए, तो आपको इस तरह लिख के आप लोग बताना ठीक है। तो ये दो नंबर में कुछ हर साल कभी कभी दो नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है, हर साल तो नहीं बोले पर दो नंबर में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है, या नॉलेज के लिए पढ़ना ठीक है। तो नॉलेज के लिए कभी कभी हमको पढ़ना चाहिए। अब हम हर दिन मतलब कि हम क्या करना है, एग्जाम के लिए पढ़ के क्या करोगे यार, तो नॉलेज के लिए पढ़ो ठीक है। तो ये मेरा हो गया, तो ये मेरा हो गया आज का काम फिनिश, दहन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या ज्वाला देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ठीक है।